आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार की रात से हुई झमाझम मूसलाधार बारिश से लगभग पूरा शहर हुआ जलमग्न। लगभग 145 मिलीमीटर से ऊपर हुई बारिश सड़कों और गलियों में लगा घुटने तक पानी। लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश से उत्पन्न हुई जल जमाव की स्थिति, शहर में बारिश के पानी को 2 से 3 घंटे के अंदर करा दिया गया खाली। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मंडल में बनाया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय। श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई में मिलेगी सुविधा। आने वाले दिनों में सभी जनपदों में विद्यालय बनाने का है लक्ष्य। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। खोराबार थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर मथुरा के कासिम व वाहिद की 15,82,000 रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। की जा रही है आगे की कार्रवाई। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। श्रम विभाग की योजनाओं की प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस के सभागार में की मंडलीय समीक्षा बैठक। श्रम विभाग की योजनाओं का श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मूसलाधार बारिश में एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी दलबल के साथ चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। एक कार में बियर पीते हुए मिले युवक, कार को तत्काल सीज करके भिजवाया गया यार्ड। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पूरे शहर में गलत नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों और काले फिल्म लगाए फोर व्हीलर की गई चेकिंग। उतरवाया गया काली फिल्म, सभी वाहनों का किया गया चालान। जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने भारी वर्षा की दी चेतावनी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले 2 दिनों तक है भारी बारिश की संभावना।